दोस्तों, मुहासों की वजह से अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। जीवन में मुहासों से ज्यादा परेशान करने वाली कोई दूसरी समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी आम समस्या है जो कि हर किसी को हो जाती है और उम्र के साथ मुहासे होना लाजमी है। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बनाती हैं और लोग उनका यूज़ भी करते हैं और अपने पैसे खर्च करते हैं लोग तो। लेकिन मेरा ये साधारण सा ये नुस्खा अपना लीजिए, आप अपने चेहरे के पुराने से पुराना कालापन दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है बेसन। देखिए, बेसन हमारे चेहरे से दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है क्योंकि ये उपटन की तरह काम करता है। तो 1 चम्मच में बेसन की ले लूंगा और आधी चम्मच की मैं हल्दी लूंगा। आधी चम्मच के लगभग हल्दी ले लेते हैं। हल्दी पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती है और उन सभी कारणों को मारती है जिनकी वजह से हमारे स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वह हमें चाहिए नींबू। तो देखिए, नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। मैं एक एक सादा नींबू पूरा इसमें निचोड़ दूंगा। तो आधा कटा हुआ नींबू तो मैंने ये निचोड़ दिया है और आधा भाग इसका और निचोड़ दूंगा, यानी कि हमें इसमें एक नींबू और बेसन और हल्दी की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा ये फेस पैक बन के तैयार हो जाएगा और इस फेस पैक से हम अपने मुहासे और दाग धब्बे एक्ने को दूर करेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कम समय में कम खर्च में बनने वाला ये एक फेस पैक आपके चेहरे के मुहासों के दाग धब्बे पिंपल्स एक्ने झाइयां सभी की समस्या को दूर कर देगा। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, थोड़ा ये पतला रह गया है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा बेसन की मात्रा और बढ़ा देता हूँ। बेसन कम या ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बेसन में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी स्किन से मृत कोशिकाओं को निकालने का काम करता है बेसन। अब देखिए, हमारा ये गाढ़ा पेस्ट फेस पैक बनके तैयार है और हल्दी तो लाजवाब होती है, वो हमारे पिंपल्स को पैदा ही नहीं होने देगी। अगर हम इसका हफ्ते में 4 दिन तक यूज कर लीजिए आप, तो आपके जो पिंपल्स खत्म हो जाएंगे और उनके दाग धब्बे जो रह जाएंगे उनको भी ये रिमूव कर देगी। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए अपने हाथों की मदद से अपने चेहरे पर आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। दोस्तों जब ये आपके पूरे चेहरे पर ये लग जाए मसाज करते हुए, ऐसा आप 10 मिनट तक करिए। देखिए, आप अगर सुंदर चेहरा चाहते हैं तो आपको अपने चेहरे के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है और हर कोई गोरा और सुंदर दिखना चाहता है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 10 मिनट तक देखिए, जब आप ऐसे रगड़ते हुए लगा लें तो देखिए आपके जो पिंपल्स के लाल लाल जाने होंगे वह झड़ जाएंगे और उनके वजह से जो दाग धब्बे रह गए थे वो हो जाएंगे। आपकी स्किन लटक रही थी वह दूर हो जाएगी, यानी कि स्किन को चमकदार टाइट और गोरा बनाने का ये जबरदस्त घरेलू नुस्खा है और ये रामबाण नुस्खा है। और 10 मिनट तक जब आप पूरे चेहरे पर ये लग जाए तो इसको ऐसे ही 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को अच्छे से पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर आप देखिए ऐसा हफ्ते में 4 दिन तक रेगुलर कर लीजिए, आपके चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं बचेगा और आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी नेक्स्ट और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।